हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोग के साथ एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट की रिव्यू करने जा रही हूँ, विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ब्रांड, मामा अर्थ। एंड इट इज़ देयर न्यूली लॉन्च चारकोल फेस स्क्रब। आई गेस इन लोगों का चारकोल की रेंज में फेस वॉश एंड फेस मास्क भी अवेलेबल है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। बट मैंने अभी तक चारकोल फेस मास्क या फिर फेस वॉश मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने मामा अर्थ की उबतन फेस वॉश एंड फेस मास्क ट्राई किया। फेस मास्क तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बट उबतन फेस वॉश मुझे उतना ज्यादा मतलब अट्रैक्ट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो चारकोल फेस स्क्रब थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम मोर देन वन वीक, और मैंने इसको ऑलरेडी 2-3 बार यूज कर चुकी हूँ। आज भी मैं इसको यूज की हूँ एंड आप लोग देख सकते हो राइट नाउ ऑन माई फेस देयर इज नो मेकअप। सो गाइज, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर फेस स्क्रब इज कंटेंट चारकोल एंड वॉलनट। एंड मामा अर्थ की जो ब्रांड है वो डेफिनेटली पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड दिस इज फॉर द नॉर्मल एंड ऑयली स्किन पीपल ओनली। तो डेफिनेटली मैं ड्राई स्किन या फिर सेंसिटिव स्किन पीपल को मैं ये रिकॉमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज इसमें जो जैसा क्लेम कर रहा है मैं वैसा ही आप लोगों को रिकॉमेंड करना चाहती हूँ, उसके बाहर जाके मैं कुछ नहीं कर सकती। सो बेसिकली चारकोल जो होता है वो ऑलवेज ऑयली स्किन के लिए गुड होता है, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए वो जो एक्सेस ऑयल जो फेस में हम लोगों का होता है उसको ये रिमूव करता है, स्किन को डेफिनेटली डीपली क्लीन करता है एंड बहुत ही एक अच्छा वाला एक ब्राइटनेस आपको इंस्टेंटली मिल जाता है इसको यूज करने के बाद। जैसे कि आप लोग अभी मेरे फेस पे देख सकते हो, आई एम जस्ट यूजिंग इट राइट नाउ एंड इट गिव्स मी एन इंस्टेंट ब्राइटनेस टू माई फेस। एंड ये आप लोगों के जो फेस में जो डेड सेल्स होता है उसको रिमूव करता है। नाउ कम्स टू द फॉर्मूला ऑफ दिस स्क्रब। तो ये वाला जो है इट लुक्स लाइक जैसे ब्लैक चारकोल स्क्रब होता है, बिल्कुल वैसा ही दिखने में है। एंड जो स्क्रबिंग जो पार्टिकल्स है इट इज नॉट एट ऑल हर्श। इवन इसका जो उबतन फेस वॉश है उसमें भी जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स है आई थिंक वो भी इससे ज्यादा हर्श है। तो आई रियली लव दिस थिंग कि इसका स्क्रबिंग पार्टिकल्स बिल्कुल भी स्किन में हर्श नहीं है। बट मैं आप लोगों को रिकॉमेंड करूंगी कि आप लोग अच्छे से पहले फेस को वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग स्क्रब यूज कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोगों को देखी हूं जो बिना फेस को वेट करते ही स्क्रब को यूज करते हैं, विच इज not at all good for your skin because it may hurt your skin। हम लोगों के फेस के जो स्किन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, तो आप लोग उसको पहले अच्छे से पानी से वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग स्क्रब को यूज कीजिए। एंड पूरे फेस में अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स तक इसको मसाज कीजिए। जितना देर तक आप इसको मसाज कर पाएंगे उतना ही अच्छा है आपके स्किन के लिए। ये आपके स्किन में जो छोटा छोटा जो व्हाइट हेड्स है उसको रिमूव करता है। ब्लैक हेड्स के बारे में मुझे नहीं पता बिकॉज आई डोंट हैव एनी ब्लैक हेड्स ऑन माई स्किन, बट हाँ व्हाइट हेड्स ये हल्का हल्का आपके जो है वो उसको रिमूव करता है एंड डेफिनेटली डेड स्किन को ये रिमूव कर देता है। एंड स्किन को बहुत ही अच्छा एक इंस्टेंट ग्लो आपको मिल जाएगा। एंड जो सबसे अच्छा बात है ये बिल्कुल स्किन को ड्राई नहीं करता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनरली चारकोल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्किन को ड्राई कर देता है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नाउ कम्स टू अनदर गुड पॉइंट कि इसका जो फ्रेग्रेंस है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इट्स वेरी वेरी माइल्ड, इट्स नॉट एट ऑल ओवर पावरिंग फ्रेग्रेंस, एंड ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चारकोल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स में ओवर पावरिंग फ्रेग्रेंस होते हैं जो कि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट स्मेल्स रियली गुड। नाउ कम्स टू द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो दिस वन इज रिटेल फॉर ₹349 एंड इसमें आपको 2 साल की शेल्फ लाइफ मिल जाएगा। एंड इसका क्वांटिटी आपको मिलेगा इसमें 100 ग्राम की प्रोडक्ट। एंड इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स है उसमें नियासिनामाइड है जो कि बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, नियासिनामाइड इज रियली गुड फॉर आवर स्किन। एंड इसके अलावा चारकोल एक्टिवेटेड पाउडर है, सीडरवुड ऑयल है बहुत ही अच्छा होता है, एक लाइट केओलिन एंड टी ट्री ऑयल है विच इज माई फेवरेट। तो इसमें जो इंग्रीडियंट्स है मैंने देख लिया है, चेक कर लिया, बहुत ही अच्छा अच्छा इंग्रीडियंट्स है, ऊपर से केमिकल फ्री है, सो आई ऑलवेज प्रेफर केमिकल फ्री ब्रांड। एंड आपको ये वीक में 2 बार यूज करना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट। एंड यू कैन यूज इट विथ एनी मामा अर्थ फेस वॉश, बट मैं आपको बोलूंगी आपके पास जो भी फेस वॉश है आप उसके साथ इसको यूज कर सकते हो। ऐसे कोई बात नहीं कि आपको स्क्रब जिस ब्रांड की यूज करना है उस ब्रांड की ही फेस वॉश यूज करना पड़ेगा, दिस इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। और
और एक चीज बता देती हूँ कि डेफिनेटली ये पैराबेन फ्री ब्रांड तो है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने से पहले उसका पैच टेस्ट करना जरूरी है। सो गाइस डेफिनेटली आप लोग पैच टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही अगर सूट करेगा देन ओनली यू कैन यूज इट ऑन योर फेस। तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड आप इसको अपने फेस में एज वेल एज अपने नेक पे भी यूज कर सकते हो। तो यस, मैं ये स्क्रब को 100% रिकमेंड करूंगी फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन पीपल एंड आई एम नाउ थिंकिंग अबाउट टू बाई देयर चारकोल फेस पैक ऑल्सो, जो कि C3 वाला जो फेस पैक है आई थिंक। बट अगर आप लोगों ने किसी ने उसको ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा एंड डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो एंड आई विल 100% रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। तो आज का रिव्यू फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।